गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं सीढ़ियों की एक भराई। सीढ़ियों की भराई के अंदर कुछ चीज़ें छोटी छोटी ध्यान में रखने की होती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, हमने आरसीसी के मिक्सर में सरिया लगवाया हुआ है। जो सरिये के नीचे हम मसाला बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो शटरिंग की प्लेट लगी होती है और सरिया जो लगा होता है, उन दोनों के बीच में कुछ एक डेढ़ इंच का गैप रहता है, जिसके अंदर आरसीसी का मिक्सर जाता है या आरसीसी का मसाला जाता है। जिससे होता क्या है कि सीढ़ी बहुत ज़्यादा मज़बूत बनती है और मज़बूत बनने के हिसाब से बहुत अच्छे से वो टिक पाती है। और साथ ही साथ जो सीढ़ियाँ बनती है उसकी हाइट वगैरह कैलकुलेट करके ही आप आगे काम करवाएं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, सरिया और प्लेट के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, उसके बाद ही उसकी भराई प्रॉपर होती है। यानी कि कम से कम 4 इंच, यानी 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे सरिये के कवरिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी सीढ़ी बनवाएं तो सीढ़ी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। और इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो आप मिक्सिंग का मसाला बना रहे हो, उसके अंदर सीमेंट, मूंगिया और जो बजरी आती है, ये सब, इन तीनों चीज़ों का मिक्सिंग प्रॉपरली होना चाहिए। अब जैसे छोटा भी आइटम हो तो उसका मिक्सिंग प्रॉपर होना ज़रूरी है। बजरी अगर पानी में गीली ज़्यादा होती है, जैसे बारिश के टाइम पे गीली ज़्यादा मिलती है, तो पानी का रेशियो हल्का सा कम कर दें तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और थोड़ा पानी मिक्सिंग में आपको वैसे ही काम में लेना ही है। तो जो मिक्सिंग का रेशियो होता है, अगर आप मिक्सर से मिक्स करवाएंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, जो अच्छी चीज़ भी है। और मुंगिया, बजरी और सीमेंट का मिक्सर एकदम हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, ताकि सीढ़ी भरते टाइम आपको दिक्कत नहीं आए। और सीढ़ी में जब आप मसाला अपना फैलाएं या फिर उसके अंदर मसाला जब डालें, तो ये कैलकुलेशन ज़रूर लगा लें कि सीढ़ी की साइज़ कितनी है, उसकी हाइट वगैरह कितनी रहेगी और उसके अंदर जो सरिया लग रहा है वो प्रॉपर है या नहीं। और एक बात, जो नीचे जो प्लेट की शटरिंग लग रही है, वो शटरिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि सीढ़ी को अगर मज़बूत बनाना है तो नीचे जो लगने वाली शटरिंग है वो मज़बूती से बंधी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्लेट ऊपर नीचे हिलने लग जाए, या फिर जब मसाला आए या फिर कोई लोड आए तो उसकी वजह से प्लेट आगे पीछे खिसक जाए या बल्ली आगे पीछे हो जाए, जिसकी वजह से लोड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, सीढ़ी बनवाते समय आपको जो सरिया है वो प्रॉपरली कवर होना चाहिए, जो मूंगे का मसाला है या सीमेंट का मसाला है वो सरिये को प्रॉपरली कवर करना चाहिए, नीचे भी उसकी कवरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सरिया जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सरिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। जो आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर सजेस्ट करते हैं उसी से आप पूछ के सलाह लेके करें। और जो सीढ़ी का जो चौकी बनती है या सीढ़ी का सोपान बनता है, वो हमेशा एक कॉलम के ऊपर या मज़बूत पाए के ऊपर टिका होना चाहिए, या ऊपर आप बीम ले तो अच्छा रहेगा। जैसे हमने सामने की तरफ एक बीम लिया है, उसके ऊपर ही सीढ़ी की चौकी को टिकाया है, इससे मज़बूती बनी रहती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।